हेलो दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारी नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मिनिमम पेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेके क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी, क्या कोई बात सामने निकल के आ रही है, कोई बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, इसी के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो मिनिमम पेंशन के बारे में ही समझ लेते हैं। देखिए मिनिमम पेंशन कोश्यारी समिति की बैठक हुई थी जहां पे मिनिमम पेंशन तय हुआ था, उसी के आधार पे काफ़ी लंबे समय के बाद भी ईपीएफओ के द्वारा ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं किया गया था, जिस वजह से मिनिमम पेंशन को बढ़ाना जो तो बहुत ही ज़रूरी हो गया था। लगभग जो तो 5 से 6 साल हो चुके हैं जहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा अथक संघर्ष और प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं बुलढाणा महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन को लेके, वो भी बातें सामने हैं। कई सारे जगहों में कई सारे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के आंदोलन हुए हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिस वजह से मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मिनिमम पेंशन अभी भी विचाराधीन है, जिस पर विचार हो रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन की राशि दी जाएगी ऐसा आश्वासन मिलता है, लेकिन पेंशन की में वृद्धि नहीं होती है। देखिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की अगर हम लोग बात करें तो उनके द्वारा इसी साल के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होना तय था, लेकिन किसी कारणवश पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा निरंतर अथक संघर्ष और प्रयास जारी है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम पेंशन की बातें चल रही हैं तो उस पर जो तो भी विचार किए जा रहे हैं। फंड की कमी यहाँ पे भी बताई जा रही है कि मिनिमम पेंशन में वृद्धि को लेके भी फंड की कमी है, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में अभी और लेट लग सकता है और डिले हो सकता है। और अगर मिनिमम पेंशन की बात करें कि कितनी मिनिमम पेंशन होगी तो 7,500 रुपये आपको मिनिमम पेंशन की राशि बताई जा रही है। आगे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम अभी भी संघर्ष कर रही है और साथ ही साथ में जो भी वहां के स्थानीय संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन की राशि मुहैया करवाने के संदर्भ में लगातार संघर्ष प्रयास प्रयत्न सभी प्रकार से लगी हुई हैं कर रही हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन की राशि और मिनिमम पेंशन की राशि जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक फैक्ट के साथ में पॉइंट वाइज पॉइंट सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं। कोई गलत जानकारी नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से ये नहीं आपको बताया जाता है कि इतने तारीख से आपकी पेंशन वृद्धि हो जाएगी, और जो तो आश्वासन नहीं दिया जाता है, झूठे दिलासे नहीं दिए जाते हैं। जो जानकारी निकल के आती है वही जानकारी फैक्ट के साथ में आपके साथ में मैं साझा करता हूँ, ताकि आप तक सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच जाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भरोसे मतलब ओनली एक ही चैनल है जो ओमीटेक है, जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद चैनल यही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।